तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल की अगली टॉपिक। तो इस बैच में हमने कुछ टॉपिक कराए हुए हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह। और हम इसी में आज जो अगले चैप्टर में फॉर्मेट के चैप्टर से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं हमारा डेटा हैंडलिंग के चैप्टर पे, कि किसी डेटा को कैसे आप हैंडल करेंगे। तो कुछ पहले कुछ छोटे छोटे चीजें हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम बाकी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, अगर कुछ नंबर्स को सम करना है तो ऑल्ट एंड इक्वल करते हैं तो सम हो जाता है, इसको ऑटो सम कहा जाता है। ऑल्ट इक्वल शॉर्टकट होता है, आप चाहो तो यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। तो अल्ट इक्वल करने के बजाय आप यहाँ इस पे क्लिक भी कर सकते हैं, और सम के बजाय यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, इसको लगा सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको इक्वल करके फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें हैं, उसके अलावा हम बात करते हैं फिल। आपने देखा होगा कई बार मुझे फॉर्मूला लगाते हुए और उसको पूरे एक एरिया में फॉर्मूला को पेश करते हुए। चलिए आपको बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। जैसे कि मैंने फॉर्मूला लगाया और एक एरिया को सिलेक्ट कर लिया, मुझे इसको नीचे की तरफ और इसको राइट की तरफ फिल करना है। तो कंट्रोल डी से हम डाउन जाएंगे, देखिए डाउन की तरफ सारा फॉर्मूला फिल हो गया। तो कंट्रोल डी क्या होता है, जो सिलेक्टेड होता है उसी चीज पहली सेल को लेके नीचे की तरफ ला देता है। जैसे कि लैंड बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ पे था, तो मैंने जैसे कंट्रोल डी किया फिल डाउन, कंट्रोल डी का ऑप्शन यहाँ पे है फिल डाउन, तो ऊपर के सारे फॉर्मूले नीचे आ गए। सेम हमारे पास राइट होता है जो कि राइट में फिल कर देता है इस तरह से। तो आप कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप कंट्रोल डी और कंट्रोल आर भी कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन और भी हैं, अप और लेफ्ट। और अप और लेफ्ट जो है बेसिकली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ही को अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है अक्रॉस वर्कशीट। अब चलिए अक्रॉस वर्कशीट के बारे में हम जानते हैं कि अक्रॉस वर्कशीट करता क्या है। जैसे कि मेरे पास आप देख रहे हैं कि शीट्स हैं, मैं दो शीट्स और ऐड कर देता हूं, मेरे पास 5-7 शीट्स हैं। मुझे हर शीट पे एक सेल पे डेट लिखना है। जैसे आप लोग के पास कोई रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में क्या होता है कि डेट, हाँ डेट जो है हर शीट पे आपको डालनी होती है, या कुछ ऐसे लाइन या समरी या नेम, मतलब कि बहुत, मान लीजिए डेट ही समझ लीजिए कि आपके पास 10 शीट्स है, 10 शीटों का रिपोर्ट फाइल है, तो हर शीट पे आप डेट तो डालेंगे। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका डेट गलती से ना डले, मतलब कल का डेट ही रह गया, तो लोग तो ही समझेंगे। ये आपने कल की रिपोर्ट भेजी है, तो हम चाहते हैं एक बार में सारा डेट डालना, मतलब कि एक ही सेल पे एक ही बार में कई सारे शीट पे सेम सेल पे वर्क करना। तो दो तरीके हैं, एक तो है कि आप पहले लिख लें, जैसे मैं डेट लिख दिया यहाँ पे, फिर इसको कॉपी करें और अगली सीट पे सेलेक्ट करें और सबसे लास्ट वाले सीट पे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो सारा शीट सेलेक्ट हो जाएगा, ऊपर में आपको यहाँ पे ग्रुप दिखेगा। और इसमें मैं पेस्ट करता हूं, जैसे मैं इसको पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि हर सीट पे पेस्ट हो गया। मैं एक ही बार पेस्ट किया
ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप पहले वाले सीट को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट करें, और आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। जैसे आप टाइप करेंगे तो हर सीट पे वो टाइप होगा, लेकिन हर सीट सेम लोकेशंस। आप देखें सीट, इस पे देखें, सीट पे देखें, तो हर सीट ठीक है सर। समझ में आया आपको सर? किसी को डाउट? ओके चलिए, अब इसमें एक क्रॉस वर्कशीट है, उसके बारे में एक बार देख लीजिए। एक क्रॉस वर्कशीट क्या करता है? तो ये तो कॉपी पेस्ट हुआ, मान लीजिए कि कॉपी पेस्ट ना करके यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें फॉर्मेट वगैरह सब कुछ है, तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो पूरा होगा, टाइप करेंगे तो सिर्फ नंबर टाइप होगा। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फिल में, अब देखिए इससे आपका एक क्रॉस वर्कशीट इससे पहले डिसेबल था, जैसे आपने एक से ज्यादा शीट को सिलेक्ट किया आपका कॉपी क्रॉस वर्कशीट अनेबल हो गया। अब यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए तो आपके पास ऑप्शन देता है कि आप ऑल लेना चाहते हैं, मतलब जैसा डेटा हर चीज लेना चाहते हैं, या सिर्फ कंटेन या सिर्फ फॉर्मेट लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट को चूज किए एंड ओके किया, तो देखिए सब पे फॉर्मेटिंग हो गया। एक क्रॉस वर्कशीट इसी चीज के लिए यूज किया जाता है। एक क्रॉस वर्कशीट के बाद अगला ऑप्शन आता है सीरीज। अब सीरीज क्या करता है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, वन टू लिखने के बाद आप ड्रैग करते हैं तो कंटिन्यूअस सीक्वेंस आ जाता है, लेकिन मुझे एक एग्जैक्ट सीक्वेंस है, मुझे 10 तक चाहिए, 15 तक चाहिए, 50 तक चाहिए, तो आप क्यों ना पूरे के पूरे कॉलम सेलेक्ट कर लें, और करने के बाद यहाँ पे सीरीज पे जाए। सीरीज पे जाने के बाद यहाँ आपका स्टेप वैल्यू, मतलब एक से दूसरे के बीच में कितनी गैप होना चाहिए और कहाँ तक चाहिए, तो मैंने बोला मुझे 25 तक चाहिए, एंटर कीजिए, आपका 25 तक ही सिक्वेंस बनेगा। तो क्योंकि ड्रैग करते समय एग्जैक्ट होता नहीं, कभी दिक्कत होती है, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे हमें थोड़ा इजी पड़ता है। तो एक इसमें सीरीज में और क्या क्या है, तो यहाँ पे आपके पास सीक्वेंस नंबर दे सकते हैं, वन यहाँ पे दे सकते हैं 25 के, यहाँ 25 तक जाए। इसमें एक आपके पास ग्रोथ भी आता है, ग्रोथ में क्या होता है कि ग्रोथ में आपका, मैंने मान लीजिए वन दिया और इसको नीचे तक हमने सेलेक्ट कर लिया, और कस्टम में गए, सही नहीं, इसके क्यों आ गया, मैं माफ कीजिएगा, पता नहीं कौन सा आ गया उसमें, या सीरीज, यहां पे मैंने ग्रोथ दे दिया। तो ग्रोथ जैसे कि लीनियर मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस 1 2 3 4 5, और ग्रोथ का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन, तो हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते चला जाएगा। वन मल्टीप्लाई बाई टू, टू मल्टीप्लाई बाई फोर, फोर मल्टीप्लाई बाई, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपका ग्रोथ का है। अब इसका यूज बहुत कम होता है, मैंने कभी किया नहीं, तो मैं इसके बारे में यूज बताऊंगा नहीं। लीनियर का यूज होता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है आगे चलकर सॉर्टिंग में देखेंगे कि हमें एक सीक्वेंस बनानी है, तो वहां पे ड्रैग करने में क्या होता है, या काफी ज्यादा डेटा चला जाता है, कम जाता है, तो माउस पॉइंटर से ऊपर नीचे करना पड़ता है, उसका यूज होता है। एक यूज हम डेट के लिए भी करते हैं, सीरीज ऑप्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट दे दिया, तो इसमें अगर हमने सिलेक्शन किए हुए हैं, तो अगर हम सीरीज में जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डेट दे कीजिएगा, तो जैसा ड्रैग करते हैं उसी तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद हम अगर हम सीरीज में जाते हैं, हमने वीक डे कर दिया तो क्या हो जाएगा,
इसमें सैटरडे एंड संडे इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। और यहां पे सीरीज में जाते हैं, मंथ की है तो मंथ, ईयर की है ईयर, इसका इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ बनाना होता है, उसमें वर्किंग डे का डेट चाहिए, तो हमें डेज का फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ता है, तो वो सब करने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। अब इसका अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई देख लीजिए, हालांकि 2019 में जस्टिफाई का यूज कम होता है क्योंकि इसके लिए अलग फंक्शन आ गया है। यहां पे अगर मान लीजिए कि मेरे पास किसी का कुछ पर्सन के नेम है, अब मुझे इन नेम नाम को एक सेल में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉलन को बड़ा करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां हम जस्टिफाई क्लिक कर देते हैं। तो जस्टिफाई क्या मतलब, ये नहीं कि एक सेल में कर देता हूं, जितना बड़ा कॉलम का साइज होगा उसके हिसाब से सारे को एक जगह पे कंबाइन कर देगा इस तरह से, और स्पेस का सेपरेटर दे देंगे। वापस आपको एक करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और फिर यहां पे हम जस्टिफाई पे ओके करते हैं, वापस मेरा कॉलम आ जाएगा। लेकिन 2019 में इसके लिए जो है दो फॉर्मूले हैं, एक आपके पास कॉनकेट है। कॉनकेट फॉर्मूला क्या करता है कि पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कॉनकेट कर देता है। और एक आपके पास टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला है, ये 2019 में है, आप लोगों के साथ हो सकता ना हो, इसे मैंने बोला कि कॉमा के साथ करे और इग्नोर कर दे ब्लैंक सेल को, और फिर हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग कॉन्क्रीट फॉर्मूला से कॉन्क्रीट फॉर्मूला से दोनों कंबाइन करते थे, जो कि थोड़ा सा एक एक सेल देना पड़ता था, पूरा एक रेंज नहीं लेता था वो। लेकिन 2019 में ऑप्शन आने से हमें सॉल्व हो गया। हेलो विजय जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट में आपने ये अभी फॉर्मूला दिखा ना कॉन्न का, हाँ, कॉन्केट फॉर्मूला और टेक्सचर फॉर्मूला, ये 2019 में है। ठीक है, हमारा जस्टिफाई वाला ऑप्शन सामने आ गया। अब बात करते हैं फ्लैश फील्ड की। अब चलिए फ्लैश फील्ड के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और फ्लैश फील्ड पे आपको हम क्वेश्चंस भी देंगे जो कि करना है। जैसे मैं यहां पे नेम लिखता हूं, नेम लिखता हूं पूजा सिंह,
सॉरी, तो इसमें से मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम प्लग करना है। तो इसके लिए लेफ्ट राइट वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज करना है, लेकिन आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे पहला में पूजा लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश फील्ड में, फ्लैश फील्ड इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, उसको प्रेस करता हूँ। पूजा और हम यहाँ पे देते हैं फ्लैश फिल। अच्छा स्पेस पहले पड़ गया क्या इसमें? इसमें कुछ प्रॉब्लम है मुझे ये अलग कर नेम मोहन कुमार शर्मा नीरज उदय ऐसे नाम होंगे और यहाँ पे योगेश। अब मैं इसमें से फर्स्ट नेम अलग करता हूं, तो फर्स्ट नेम अलग लिखिए, मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा मोहन, मोहन एंटर मारा और इस मोहन पे कर्सर रखा, शायद कर्सर नहीं रखा हुआ था इस कारण से दिक्कत हुआ था। एंड फ्लैश फील आ गया, देखिए। और ऐसे मैं यहां पे करता हूं शर्मा और मैं यहां पे फ्लैश फील करता हूं, तो बाकी और भी जो नाम आ गए। मतलब क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से अलग कर देता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं मंथ दिया, जैसे मान लीजिए मैं मंथ देता हूँ, सॉरी डेट देता हूँ, डेट में से मुझे मंथ अलग करना है, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं मान लीजिए कि जून लिख दिया। जून लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बाकी मंथ भी यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह से अगर मैंने मान लीजिए नंबर्स है और मुझे इसमें से डेसिमल प्लेस अलग करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.96 करके एंटर किया और इस पे कर्सर रखा, कर्सर ना मत भूलिएगा, और फिर हमने इसको फ्लैश फिल कर दिया। तो जितने डेसिमल प्लेसेस है वो आपके अलग हो गया, मतलब कि एक सेल के अंदर में जो वैल्यू है उस वैल्यू का कोई भी पार्ट को यहाँ अलग किया जा सकता है। लेकिन इसका एक ध्यान और रखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि यहां मैं काम करता हूं वर्मा कुमार वर्मा, अब यहां पे कंफ्यूजन होगा ना क्या सर?
कि फर्स्ट नेम बर्मा है या लास्ट नेम बर्मा है, तो लास्ट कोई पिक करता है? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बर्मा, मारा इसको सेलेक्ट किया, अगर मैं इसको फ्लैश फिल करता हूं तो देखिए ये फर्स्ट को समझ में पिक किया, लास्ट को पिक नहीं किया। यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना सर? तो यहाँ पे कुछ दिक्कत, जरूरी नहीं कि हम पहले ही सेल में रख रहे हैं, हम लास्ट सेल में या शर्मा कर देते हैं और इसके ऊपर फ्लैश फिल करते हैं, तो ऊपर कहीं पर कर लेगा। ठीक है, तो आप लोग एक नोट कर लीजिए होमवर्क, मुझे फ्लैश फिल के 20 एग्जांपल आपको देने हैं, फ्लैश फिल के 20 एग्जांपल आपको मुझे देने हैं। ओके, ठीक है, फ्लैश फिल करता है क्या है, कैसे करता है, ये आपको मैंने बता दिया, अब मुझे इसके एग्जांपल आप करके दे। अब इसमें दिक्कत हुआ कि मान लीजिए कि हमने इसको कलर किया हुआ है, मुझे इस पूरे को हटाना है, मुझे डेटा नहीं चाहिए, तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ना सर? लेकिन डिलीट करने से दिक्कत क्या होती है, पूरा डेटा पूरा फॉर्मेट हिल जाता है, फॉर्मूला लगा हुआ है, हाँ। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस पे क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल, पूरा साफ क्लियर हो जाएगा, क्लियर फॉर्मेट, जस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, क्लियर कंटेंट्स, जस्ट कंटेन क्लियर होगा, और कमेंट्स, कमेंट और हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्लियर होगा, क्लियर करने का ऑप्शन करते हैं। कोई डाउट सर इसमें? नहीं। तो फ्लैश फील का एग्जांपल अभी बना के भेजिए सर, अभी भेजिए, वरना ऑफिस चले जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मेरा ना अभी लैपटॉप बंद हुआ था तो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। मैं रिकॉर्डिंग आपको अभी आधे घंटे में भेज देता हूँ सर, आज भेज दूंगा सर रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है, समझिए। ओके, बाय, सी टुमारो। ओके।